चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जरा हट के आपके पास लेके आए तीन चित्र आपके पास, बिल्कुल जैन समाज को शर्मसार करने वाली बात। एक बात तो ये प्रण कर लीजिए, जैन धर्म के प्रति चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी गलत काम करता है तो उसके प्रति कसकर आवाज उठाइए। जैन हो या जैन हो उससे मतलब नहीं है। जो जैन विरासत जैन साधु के प्रति गलत बात सोशल मीडिया में पोस्ट करता है तो उसके प्रति कसकर विरोध कीजिए। आज आपको तीन चित्र दिखाएंगे जो एक व्यक्ति हमारे जैन साधु के प्रति, हमारी जो 57 फुट की विश्व की कहते ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उस प्रतिमा के प्रति कितने गंदे शब्द लिखता है, कितनी गंदी बातें करता है, आज ये दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब जब आप मौन हो जाते हैं दूसरा आपकी स्वीकार मान लेता है, और अगर आप बोलते नहीं है तो समझ लेता है वो डरपोक हो कायर हो। अहिंसा के वीर जरूर कहलाते हैं जैन, कायर की शब्द हमें ना पसंद है ना हम स्वीकार करेंगे। जब कोई ऐसी बदतमीजी की बात हमारे समाज में हमारे साधु के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे विरासत के प्रति करेगा, विरोध करिएगा कसकर। आज दिखाते हैं आपको ये तीन चित्र जो हमें शर्मसार करते हैं। और यह है पहला चित्र जो आप देख रहे हैं, शर्मसार कर देता है हमें। किस तरीके से ये इंस्टाग्राम में पोस्ट की जा रही है, और ये उसका नाम है DO.केला। जी हाँ, जो ऐसी बदतमीजी की कट पेस्ट करके फोटोशॉप में इस तरह की बदतमीज फोटो करता है, जहाँ आचार्य पुष्पदन सागर जी के प्रति कितनी बदतमीजी टिप्पणी है कि चार युवक आपस में संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार, जोधपुर पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापा मारा। इस तरह की बातों पर दावा कीजिए, केस कीजिए, शिकायत कीजिए, हमें इस तरह की स्वीकार नहीं है। और अब ये देखिए दूसरा चित्र, 57 फुट की उत्तंग प्रतिमा जो 1000 वर्षों से यहां खड़ी है श्रवण बेलगोला पर, जिसमें जैन अजय नहीं पूरी दुनिया के नतमस्तक हो जाती है इसको देखकर, और इसके प्रति कितनी बदतमीजी टिप्पणी करी है, जहां पर उसने फोटोशॉप करके आंखों को बना के उसने लिखा है वेन यू आर फकिंग योर सिस्टर एंड सडनली डेड कम्स इन, यानी वाहियात बातों की यह शर्मसार टिप्पणी। और ये तीसरी तस्वीर तो सबसे ज्यादा शर्मसार करती है। विश्व के महानतम संत हैं इस समय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी, उनके पद विहार की वोटों पर इस तरीके से धक्यानुसी टिप्पणी कर दी जाती है कि जो खुद मांसाहार नहीं खाते हैं वह सबको मांसाहारी स्टफ दिखाते हैं। इतनी बेहुदा टिप्पणी करने वाले को किस तरीके से हम स्वीकार कर पाएंगे, जेल भेजना होगा, इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। जो भी हमारी संस्थाएँ हैं अगर अब भी हाथ पे हाथ रखती हैं तो हमारे लिए शर्मसार बात है। जागो, सबको जागना होगा। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, विरोध करिएगा। सादर जय जिनेन्द्र।